हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोपहर के समय हो गए हैं, डेढ़ बज रहे हैं जी। इधर भाभी जी खाना निकाल रही हैं किचन में, पंकज भाई आए हैं उनके लिए, तो मुझसे ही पूछ रहे हैं खाना खाएंगे। आज मेरा सर पता नहीं किस वजह से बहुत भारी भारी चल रही हूँ, तो ठंड बोल रहा है, पता नहीं क्यों। यापी को निकाल रहे हैं। अरे हम उतना खाना नहीं खाएंगे। अच्छा तरीके चावल देना, रोटी दे दें। रोटी नहीं लेंगे, बस केवल दाल चावल थोड़ा सा लेंगे। इधर भाभी भैया भाई साहब को निकालते निकालते खाना, मुझे आलू मत देना। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। कढ़ाई की नहीं पंखे से लेकर एक ही छोड़ तो एक ही हमको दो ना। एक बार सब लोग नाश्ता किए थे एक ही। तो गाइस इधर भाभी मेरे लिए खाना निकाल दे रही हैं और पंकज भाई को निकाल के लेके आएंगी। आज गुरुवार है, मम्मी का फास्ट है, वही दही वही लेके आए हैं। इधर भाभी कहाँ है, जुड़ गई। किसको ठंडा पानी दो? आरो को। आरो ठंडा पानी पिएगा। मम्मी खा रही है, लो जैसे सूखा सूखा खा रहे हो। सूखा दाल देखिए कटोरी में है, दाल नहीं, और इधर सूखा सूखा खाना खा रहे हैं। टीवी देखते, इस रूम में इतना गर्मी है। इस रूम में इतना गर्मी रहता है, हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ती इधर आने के लिए। दिन भर हम लोग उधर रहते हैं, ये लड़का टीवी चालू करके इधर खाना खा रहा है। आजकल इसका देख रहे हैं सेहत भी बहुत खराब हो गया, सही ढंग से गर्मी की वजह से कोई सही से खाना भी नहीं खा रहा है। मुझे भी खुद ही भूख नहीं लग रही है, सुबह के देख रहे हैं 1:45 होने वाले हैं। अभी तक मैं सुबह से केवल चाय पी के हूँ, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी इतनी उलझन है कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। ये बोलते हैं पूनम दीदी आपका बाल खुला रहता है, क्लचर लगाई रहती हूँ खुल जाता है, जान बूझ के पूनम दीदी बाल खोल के नहीं रखती हूँ। देख रहे हैं क्लचर लगाई हुई थे, इधर सब निकला हुआ है। तो गाइस आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। मिलती हूँ कुछ देर के बाद। तो गाइस इधर देखिए मेरे लिए खाना निकल के, रस चावल, करेले कलौजी, दाल चटनी आम का। पंकज भाई को भी यही निकलेगा, ये चावल नहीं खाएंगे, मैं चावल खाऊंगी क्योंकि मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, हल्का एकदम भोजन करने का मन कर रहा है। तो गाइस लेके चलूं कि हो गया, बस दाल दिखा रहे हैं। इतना ढेर सारा बर्तन क्यों निकाल देती हैं, गर्मी है दे दिए कि साइड में। तो गाइस हम चलते हैं खाना लेके। इधर सोना देखिए चुंडी इसका खड़ा हुआ है, आपका सोना चुंडी बांधती है, मोबाइल से बिजी है। दही तुम खाओगे क्या सोना? ये दही कौन खाएगा? सोना खाएगी? अरे बाप रे बाप, नमक जीरा डाल रही हूँ। ये दही आप निकाल रही हैं ना, दही है ना, जमाए है ना, दे दो। इसको रख दे, तब वही लेते हैं, ताजा दही है वो भी तो ताजा ही है, आज ही तो जमाए है। चलिए खा लीजिए। मम्मी तो कुल्हड़ में खा रही है दही, फास्ट है। क्या हुआ? देखिए थोड़ा ही नमक डालने में ज्यादा खट्टा रहता है, तो नमक जाता है। सोना दही खाओगी? ए सोनिया दही कौन खाएगा? हाँ ये लड़की का चुंडी देखो खड़ी खड़ी है, और आज अपने बुआ से खूब लड़ाई की है, हमको सोने नहीं दे रही है। क्या बोली है, क्या बताए? कूलर चालू है। कूलर चालू है, हवा ले लो तब चालू है, हवा ले लो, हवा ले लो। जब उठा के हवा लोगी क्या? कैसे कैसे कैसे? पानी लाओ क्या? दो आओ, शीशी का दवाई दो, सोना पिलाए तो तुमको पिलाए ले क्या? कूलर बंद, अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब गर्मी आ गई, गर्मी गर्मी में माथे से टपके पसीना ना। सोना सोनी 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 क्या हुआ बच्चा? लाइट कट गया, लाइट कट गया, इधर आ गए सब बंद कर दिए। हाँ।
सो गाइस शाम का समय हो गया है। इधर देखिए सोना, इधर देखिए सो के उठ गई है। ए सोना, सो के उठ गई हो क्या? आज सोना पी थी हंगरी वाला दवा पी थी, क्योंकि सोना दूध नहीं पीती है, और खूब सोई है ना। कब उठी है? हाँ कब उठी हो? हाँ, और सोना आज सुबह से मुझसे लड़ाई कर रही है। इधर भाभी जी तैयार हो गई हैं, और मेरा तो सब मेरा शक्ल देख सकते हैं। मम्मी का फास्ट है, दो बेटा लगा देता। भाभी तैयार, कार्तिक का देखिए हाथ में भौरा कर लिया बेचारा, फूला है इसे दिन भर। पता नहीं क्या हुआ इसको, भौरा से ही ऐसे हुआ है, भौरा से ही ऐसे नहीं कर रहा है ना। कल मम्मी ऐसे कर लेना, हाँ ये दर्द कर रहा है मेरा। पता नहीं कहा कहा था लोहा से लग गया, कितना से लगा है? हाँ हाथ इतना तो पूरा लाल है। हाँ वो ऐसे ही रहता है वो पूरा यहाँ पे। और सोना देखिए काजल वजल लगाइए। कौन काजल लगाया सोना? कौन काजल लगाया? मम्मी लगाई है। हाँ पसीना हो रहा है क्या? हाँ पसीना हो रहा है आग के नीचे, मुझे भी पसीना हो रहा है। तो भाभी इधर तैयार हो गई हैं यार। हाँ देख इस गर्मी में हालत खराब हो गई है। देखिए मम्मी रखी थी कटहल जो कि पक गया है, और ये कटहल अब नुकसान हो गया, इसका सब्जी नहीं बनेगा। तो भाभी इधर खाने पीने की तैयारी कर रही हैं, लहसुन छील ली हैं, और ये क्या करने आई हैं, ऊपर आई हैं मसाला पीसने। तो गैस लाइट नहीं है, इन्वर्टर से इधर फैन चल रहा है। भाभी जी इधर किचन में आ गई हैं। कहाँ जा रहे हो नहाने? नहाना मत। तो इधर देखिए आरो बोल रहा है जा रहा हूँ मम्मी नहाने, गर्मी से सब एकदम व्याकुल हो गए हैं, मेरा शक्ल देख रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है इतनी बड़ी ब्लॉगर बन गई हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि कैमरे के सामने कैसे फेस करना चाहिए। आज भाभी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये नहीं कि थोड़ा फ्रेश हो जाए, तैयार हो जाए, तब कैमरा ऑन करे, देखने वालों को भी इंटरेस्टिंग लगे। क्या भाभी तैयार हो गए इसीलिए बोल रही हैं, और जब अपना जब रहती है तब तो हम सैम सूट नहीं करते ना, वो तो दीपक भैया सूट करते हैं ना। तो लेकिन क्या करें? लेकिन मैं उनको बोलती हूँ कैसे मत क्या करो, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं हमको रियलिटी दिखाना है। तो जो रियल है वही चीज तो मैं भी दिखा रही हूँ। जरूरी नहीं कि मैं एक ब्लॉगर हूँ या ब्लॉगिंग करती हूँ तो खूब एकदम टिप टॉप से रहूँ। टिप टॉप की बात नहीं है यहाँ पे, ये एकदम रियलिटी है। गर्मी है ना, सही बता रहे, गर्मी में कुछ भी करने मन, मैं कैसे हूँ मेरा जी जानता है कि मैं कैसे हूँ। जैसे आप वैसे हम वैसे सब है। तो सब लोग हैं, लेकिन मैं भी ससुराल में गई थी तो ऐसे टिप टाप से रहती थी, है कि नहीं फैमिली से ऐसे बताइएगा। मैं पहन के मतलब ये क्या मतलब मैं ससुराल में है तो टिप टाप, घर पे तो जैसे मन मार्के में रहो चाहे जैसे मन तैसे। जैसे मैं मुंबई में भी ऐसे ही रहती हूँ, केवल ससुराल में रहती हूँ थोड़ा सही ढंग से रहती हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। आज भाभी ने आज बहुत बड़ी बात बोल दी है गाइस। अब ये सोच लीजिए हम काम करते करते हम छोड़ दिए, हम क्या पहले हमको बता दे, कम से कम ब्लॉगिंग कर रही है तो अच्छे से करो। तो बस इस वाले ब्लॉग को हम यही पी एंड करते हैं। हाँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग बताइएगा कि रेडी है कि नहीं, कमेंट ब्लॉग ठीक है।